हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुरप्रीत सिंह फ्रॉम वीजा गुरु सेक्टर 17 चंडीगढ़। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। कनाडा वीजा पे सेशन लेके आए हैं। जो पीपीआर्स आ रही हैं स्टूडेंट्स की, स्पाउस वीजाज आ रहे हैं, तो बहुत ही, जैसे मैंने ऑल वीडियोस में कहा था, जो प्रीवियस वीडियोस थी, कि बल्क में पीपीआर्स आएंगे, वीजाज आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, जो पीपीआर्स हैं स्टूडेंट्स की, वो बल्क में आ रही हैं। काफ़ी पीपीआर्स आ चुकी हैं और जो पीपीआर्स लेफ्ट हैं, वो मतलब एक वीक में या 10 डेज में वो आपको देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है जो कनाडा का रिफ्यूज हो रहा है, इस पर बात करेंगे हम। जो रिफ्यूज कैसे हो रहा है, किन स्टूडेंट्स का हो रहा है, तो इस पर बात करेंगे। उसके बाद किन प्रोफाइल्स का ऑन आने वाले टाइम में वीजा लगेगा स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट ये रहेगा। फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, के एक्सपायर डॉक्यूमेंट से वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या होगा आने वाले टाइम में, तो सारा सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को, जितने भी व्यूवर्स है, स्पाउस है, विजिटर वीजा वाले हैं, कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, ताकि एक मोटिवेशन बनी रहे वीडियो चलाने में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। फिर ही आपको पता चलेगा कि कैसे, क्या सिनेरियो मार्केट में, किन किन लोगों का वीजा आ रहा है या कुछ भी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे 10 सस्पेंडेड कॉलेजेस की, उनकी जो पीपीआर्स हैं वो आनी स्टार्ट हो गई हैं। स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है मार्केट में। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप, तो काफ़ी एजेंट्स की पीपीआर्स आ रही हैं। हर्जिंग कॉलेज की पीपीआर्स आई हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद कैनेडा कॉलेज की पीपीआर्स आई हैं, सीडीआई कॉलेज की पीपीआर्स आई हैं। तो बहुत ही खुशी की एक हमारी मार्केट इंडस्ट्री है, जो इमिग्रेशन, एक माहौल चल रहा है खुशी का, जैसे कोई, मतलब जैसे कोई फंक्शन हो, कोई किसी तरह का फेस्टिवल हो, इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं जितने भी एजेंट्स हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान थे, स्ट्रेस थे। और स्टूडेंट्स भी, बच्चे तो थे जिन्होंने अप्लाई किया था, वो भी बहुत स्ट्रेस में थे। तो काफ़ी ओवरऑल सिनेरियो अच्छा चल रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ये वीज़ास, फुली वीजाज कब तक आ सकते हैं, जिनके वीजाज अभी तक नहीं आए। स्टूडेंट्स, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि 10 टू 20 डेज में काफी वीजाज आएंगे, जो 10 सस्पेंडेड कॉलेजेस थे या अदर्स कॉलेजेस थे, नॉन प्रोविंसेस के भी वीजाज आएंगे। क्योंकि आज रिसेंटली एक ट्वीट आया है कि हम बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं वीजाज पे। मैं ट्वीट जो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जहाँ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर मैं जो भी ट्वीट आता है, कोई पीपीआर आती है, मैं उस पर पोस्ट कर देता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हम जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन पर काम कर रहे हैं और सभी को जो रिजल्ट्स है एज सुन एज पॉसिबल देंगे। मतलब एक सीधी सी बात है कि उन्होंने फाइल उठा ली है, फाइल देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलो एट द एंड 1.5 साल बाद भी ये रिजल्ट इन्होंने देने तो स्टार्ट किए, नहीं तो लग रहा था कि 6 मंथ भी जो है क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात जो हम करेंगे, रिफ्यूज़ वीज़ा पे, जिन स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ हुए हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा, क्यों रिफ्यूज़ हो रहे हैं। डेली हमको इंक्वायरीज आती हैं, 40-50 फोन तो वो आते हैं, जिनकी बहुत ही सीरियस प्रोफाइल होती है, अच्छी प्रोफाइल होती है, इन द सेंस कि एजेंट प्रोफाइल को खराब कर देता है। क्या है कि जैसी रिक्वेस्ट ले, आज मेरे को एक कॉल आई 7 बैंड थे लड़के के, जब उससे मैंने पूछा कि क्या रीजन था, कहते सर जैसे रिक्वेस्ट लेटर आई थी, मेरा सीडीआई कॉलेज था, तो एजेंट ने रिक्वेस्ट लेटर ही नहीं देखी, मतलब रिक्वेस्ट लेटर उन्होंने चेक ही नहीं की। जब स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि जब मैंने पूछा कि आपने क्यों नहीं रिक्वेस्ट लेटर देखी, तो बोले कि हमको तो ईमेल ही नहीं आई। मतलब एजेंट को इतना ही नहीं पता कि कितनी बिजी चल रही है एम्बेसी IRCC, कि अभी वो ईमेल नहीं करते, GIC फिर भी अपडेट कर देते, तो टाइम टू टाइम देखना चाहिए। तो रिक्वेस्ट जो इनकम्प्लीट फाइल्स की वजह से काफ़ी क्यूबैक के जो रिफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अपना GIC की अकाउंट ऑनलाइन पोर्टल जरूर चेक टाइम टू टाइम करते रहा कीजिए स्टूडेंट्स। अदरवाइज स्टूडेंट्स जो रिफ्यूज हो चुके हैं, वो दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं, नॉन क्यूबेक में कर सकते हैं, जहाँ वो अदर कंट्री में, USA UK बहुत अच्छा ऑप्शन सामने आया है। जर्मन का, आज हमारा जर्मन का एक वीज़ा आया, मैंने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर वो पोस्ट कर दिया था, जर्मन का वीज़ा, मतलब जर्मन भी काफ़ी अच्छे सेटलमेंट प्रोग्राम है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स की,
काफी कॉल्स आती हैं कि सर हमारी आईएलएस एक्सपायर हो चुकी है, हमारे जो मेडिकल है वो एक्सपायर हो चुका है, काफी कुछ मतलब डेढ़ साल जैसे दो साल स्टूडेंट्स को हो गया तो एक्सपायर हो रहे हैं अल्टीमेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आपकी फाइल लगी हुई है तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंसिडर की जाएगी, बेशक मतलब वैलिड ना भी हो तब भी वो कंसीडर की जाएगी। आपको एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका आईएलएस एक्सपायर है। हाँ, मेडिकल आपको जरूर करवाना पड़ेगा और एम्बेसी को बताना भी पड़ेगा। अगर एम्बेसी आपसे डिमांड करती है मेडिकल की तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी, एम्बेसी ने कहा है कि हम इंस्ट्रक्शन लेटर भेजेंगे मेडिकल के लिए, लेकिन आप खुद भी मेडिकल करवा के उनको एडवांस में मेडिकल दे सकते हो ताकि आपका रिजल्ट है वो डिले ना हो। और जो एक्सपायर आईएलएस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, आपकी फाइल कंसीडर की जाएगी, उसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, एयरपोर्ट पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपने वहां जाके कॉलेज चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो फिर डेफिनेटली आपको आईएलएस दोबारा करनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सीरियस एक माइंड में रख लो कि आप कॉलेज नहीं चेंज कर सकते, आपका वीजा भी लग जाएगा, आपकी एयर टिकट भी हो जाएगी और फ्लाइट भी हो जाएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स। अदरवाइज स्टूडेंट्स, और किसी भी ज़्यादा जानकारी के आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट, जो ये सेशन मैंने बनाया है, जो पीपीआर्स आ रही हैं उस पर और जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो एक बार मेरे से जरूर कॉन्टैक्ट करें, वो केस कहीं से भी अप्लाई करें। मेरा हिंदी में सेशन बनाने का बेसिकली रीज़न यही था कि जो अदर प्रोविंसेस के हैं उनको पंजाबी समझ नहीं आती और हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है टू बी फ्रैंक, बट लेकिन फिर भी हम हिंदी में जो एक ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि हिंदी में जो हमारे अदर प्रोविंसेस स्टूडेंट्स हैं उनको समझ लग सके कि हम क्या बोलते हैं, जो चंडीगढ़ के एक्सपर्ट जितने कोई एजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप रिफ्यूज हो चुके हो तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपका एजेंट का फॉल्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपकी प्रोफाइल का ही फॉल्ट होगा स्टूडेंट्स। अदरवाइज किसी भी ज्यादा जानकारी के लिए एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप बात कर सकते हैं और मैं सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन उठाता हूं। कोई ये कमेंट्स में नहीं लिख सकता कि सर आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मेरे को खुद का काम कई बार छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन मैं फिर भी फ़ोन अटेंड जरूर करता हूं। आज लंच नहीं किया बिकॉज ऑफ काफ़ी ह्यूज ऑफ अमाउंट में कॉल्स आ रही थी क्यूबेक वाले जो स्ट्रेस में है, और मैं उसको फील को पेन को फील कर सकता हूं कि कितने स्ट्रेस में स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं अपना टाइम फुल देता हूं स्टूडेंट्स। इतना प्यार देने के लिए, फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू, धन्यवाद।